नमस्कार, मैं मीनू MS दिव्य दिशा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं ऑनियन यानी प्याज के बारे में बताऊँगी, जो कि अपने आप को तो जानकारी है ही है कि ये जो हमारी सब्जियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और इसी तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए भी उससे ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, और बहुत ज़्यादा हम लोगों के स्वास्थ्य को लेके इसका जो है बहुत ज़्यादा अच्छी भूमिका है हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए। ये जो प्याज है, ये खाने से लेके हम लोगों के लगाने तक में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो कहते हैं, सबसे पहले मैं बताऊँगी कि कच्चे प्याज के इस्तेमाल से बाल एक तो काले और लंबे होते हैं, और दूसरी बात, ये तो बालों की चर्चा होगी, और ब्लड शुगर को ये कंट्रोल करता है, और प्याज में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर से बचाव भी करते हैं, और कच्चा प्याज खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और ये प्याज में मौजूद जो विटामिन सी है और कैल्शियम, ये ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि जो मुँह की से संबंधित बीमारियां हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फायदेमंद है उसके लिए, तो जो कि हमारे दांतों से लेके हमारे मुंह के आसपास या गले में जो भी बैक्टीरिया है उनको मारता है, और इसका सेवन करने से हमारे जो है पेट के कीड़े भी मरते हैं। और दूसरा मैं बताऊंगी आपको कि इसको रात में अगर हम एक प्याज कच्चा खाते हैं तो उससे कब्जियत दूर होती है और मोशंस क्लियर होते हैं, और दिल का जो प्रॉब्लम है वो दूर होती है। दिल जो है धड़कना है या दिल अस्वस्थ है, दिल जो है हार्ट हमारा मजबूत होता है, और मधुमेह है यानी कि डायबिटीज़ की रोग भी ठीक होते हैं, और कान में अगर दर्द हो रहा है तो इसका रस को गर्म करके आप तेल में मिला के डालेंगे तो कान का दर्द भी दूर हो जाता है, और एनीमिक जो है वो अगर इसका सेवन करता है तो कुछ ही दिन के सेवन करने में उसकी उसका रोग दूर हो जाता है, ठीक हो जाता है। और गर्मी में अगर लू से बचना है तो कहते हैं एक प्याज खा के घर से निकलिए तो लू नहीं लगती है, लू से बचाव करता है, और दूसरा खांसी दूर करता है। अगर हम इसको शहद के साथ इसका रस पका के खाते हैं तो खांसी दूर होती है, और जो भी जो मुंह गले के आसपास जो भी मौजूद रोगाणु हैं, यानी कि जो भी कीटाणु जम्स हैं, वो उनको मारता है, और प्याज के गंध से कई कीड़े भी, अगर आपको घर में कहीं पे भी आपके यहाँ कीड़े या फिर कॉकरोच या कुछ हैं तो उनको पोटली में बांधकर आप कहीं लगा कूच के उसको लटका देंगे पोटली में, तो उसकी गंध से कीड़े नहीं आते हैं किचन में। तो ये तो थी कुछ छोटी सी जानकारी। एक मैं बताना चाहूँगी कि अगर कान में दर्द है तो प्याज गर्म राख में भूनकर और उसका पानी निचोड़कर कान में डालिए तो पीड़ा जो दर्द है उससे राहत मिलती है। और अगर कोई पॉइजन यानी जहर है तो प्याज का रस नौसादर एक आता है जो जनरल मर्चेंट की शॉप में मिल जाता है, तो एक एक तोला दोनों को खरल यानी कि जो भी कूटने वाली चीज़ होती है उसमें कूट करके और शीशी में रख लें, और इसका सेवन करने से मक्खी बिच्छू और ततैया वगैरह काटे पर लगा दें तो इससे ठीक हो जाता है। इसका मुंह के अंदर नहीं सेवन करना, बाहर लगाने के लिए है, मलहम की तरह। उसी तरह से मोतियाबिंद प्याज से ठीक हो जाता है। प्याज का रस, शहद एक एक तोला और भीम सेनी कपूर दो माशे सबको खूब मिलाकर रात को नेत्रों में लगाने से मोतियाबिंद कट जाता है, मोतियाबिंद का असर रुक जाता है। जो मोतियाबिंद तीव्रता से अगर बढ़ रहा है तो वो बढ़ना बंद हो जाता है, यानी वहीं रुक जाएगा, बढ़ेगा नहीं। और इससे सुरमा भी तैयार होता है। कैसे? काला सुरमा एक चटांग और प्याज के आधा से रस में सुखा लें, यह धुंध हो जाएगा, मतलब जाला हो जाएगा, तो रोहे में जो हितकर है ये, जैसे कि आपको धुंधला दिखाई पड़ रहा है या रात में नींद मतलब चल रहे हैं तो अंधेरापन है, तो उसमें रतौंधी कहते हैं जिसको, उसमें बहुत ज़्यादा कारगर है। और फिर से मैं बता रही हूँ, काला सुरमा एक चटाक और प्याज का आधा से रस में सुखा लें,
तो फिर इसको यूज़ करते हैं तो इसका जो धुंधलापन है आंखों का वो ठीक हो जाता है, और जो भी रतौंधी रात में जो मतलब दिखाई नहीं पड़ता वो भी बीमारी ठीक हो जाती है। और पेशाब में जलन, तो पेशाब के जलन में ये प्याज के 2 तोले रस में समान जल डालकर उबाल लीजिए, और आधा रहने पर पिलाने से जलन ठीक हो जाती है यानी समाप्त हो जाती है। और सांप काटने पर 2 तोले प्याज का रस छान लें और सरसों के तेल में डाल दें, फिर 2 घंटे बाद 3 खुराक दें। काटे स्थान पर पोटेशियम परमानेंट बुरक दें, तो इससे क्या होगा कि वो सांप का काटने का जहर खत्म हो जाएगा। तो ये थी हमारी कुछ प्याज की जानकारियाँ, और जो कि प्याज तो आप जानते हो हर तरह से, छोले भटूरे हों या फिर कोई सब्जी हो या फिर हमारी खाने का कोई भी सामान हो, कहीं भी हो, ये प्याज जरूर शामिल है उसमें। तो ये तो कितना है छोटा लेकिन कितना प्रभावशाली है हमारे जीवन में। तो इसी के ये आपको जो मैंने जानकारी दी कैसी लगी जरूर बताइएगा, और आशा करती हूँ ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और मैं इसी तरह से आपको अच्छे अच्छे वीडियो बनाती रहूँगी, बना के शेयर करती रहूँगी आपके साथ में। और कोशिश भी करती हूँ कि मैं आपको बहुत सारी जानकारियाँ दूँ जो मुझसे मुझे पता चलती है, लेकिन जो है आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तभी और ज़्यादा मैं और भी देती रहूँगी। और इसी के साथ में मैं विदा लेती हूँ, बाय। आपका मैंने इतना ज़्यादा लंबा समय लिया उसके लिए सॉरी, और आपने मेरा इतना प्यार से वीडियो दिखा उसके लिए बहुत सारी थैंक यू है। और इसी के साथ में गुड इवनिंग, बाय बाय, सी यू।